भारी बर्फबारी से जहां किसान बागवान राहत महसूस कर रहे हैं, वहीं लोगों की परेशानियां दो दिन बाद भी खत्म नहीं हुई है। राजधानी में अभी भी यातायात पटरी पर नहीं लौट सका है। कई इलाकों में पिछले दो दिनों से बिजली पानी गुल है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि मौसम विभाग ने बर्फबारी की चेतावनी पहले ही जारी कर दी थी, बावजूद इसके सरकार ने बर्फबारी से निपटने के लिए समय रहते इंतजाम नहीं किए, जिसके कारण लोगों को बिजली पानी से दो दिन बाद भी महरूम रहना पड़ा है। बर्फबारी ने सरकार की तैयारियों की पोल खोल कर रख दी है। ये मौसम विभाग की पहले ही जो है प्रेडिक्शन थी कि हिमाचल प्रदेश में जो है भारी बर्फबारी होने वाली है, लेकिन सरकार के जो प्रबंधन थे वो जो है बिल्कुल ढीले डाले थे। और आपने देखा होगा कि कल जो है शिमला में भी, परसों और कल बिजली पूरे दिन गुल रही और पानी भी नहीं आया। उसी तरह स्थिति जो है पूरे प्रदेश में, खासकर जहां बर्फबारी ज़्यादा हुई है, जो ऊपरी शिमला के क्षेत्र हैं वहां पे ना तो बिजली है ना पानी है और मार्ग अवरुद्ध है। सरकार को चाहिए था कि पहले से ही जो है आपदा जो प्रबंधन है उनको पुख्ता रखते। उज्ज्वल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो।